सारण जिले का एक ऐसा पोखर जहां प्रेमी पक्षियों का मेला लगा रहता है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। अगर आप सारण से हैं, सारण के इस पोखर में आए, क्योंकि पहले ये पोखर नॉर्मल था और इसका जीर्णोद्वार राजीव प्रताप रूढ़ी के द्वारा किया गया और उसके बाद से यहां बोटिंग की सुविधा, घूमने की सुविधा, हर एक सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग यहाँ आते हैं और इस पोखर का मज़ा लेते हैं। अभी आधे घंटा से हम इस पोखर में बोटिंग का मज़ा ले रहे हैं और काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो अगर आपको भी, आप भी सारण से हैं और बोटिंग का मज़ा लेना है, तो आप भी यहाँ आइए और मज़ा लीजिए। लेकिन अगर बोटिंग का मज़ा लेना है तो आप ऐसे ही नहीं ले सकते हैं, बल्कि इस पोखर में घूमने का आपको टिकट लगेगा। 10 रुपये का टिकट लेना होगा। उसके बाद अगर इस पोखर में आइएगा और आपको बोटिंग का मज़ा लेना है तो उसके लिए 50 रुपये का टिकट लगता है। तब आके ये मौका आपको मिल सकता है और आराम से यहाँ बोटिंग कर सकते हैं। फिलहाल हम आपको दिखाना चाहेंगे तस्वीरों में कि किस तरह का ये पोखर है और कितना सुंदर लग रहा है। तो सारण ज़िला में इकलौता ये ऐसा पोखर है जहाँ पर आप बोटिंग का मज़ा ले सकते हैं। ये सब कुछ संभव हो पाया है सारण के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी की वजह से। तो जिन लोगों को ये लगता है कि सारण के सांसद राजीव रूढ़ी सिर्फ हवा हवाई नेता है, उन्होंने किया ही क्या है, तो उनके कामों को और उनकी अच्छाइयों को दिखाना हमारा ये फ़र्ज बन जाता है। और ये पोखर से आप देख सकते हैं कि कितना कुछ अच्छा काम किया है उन्होंने, जिसका मज़ा आज और जिसका आनंद आज हम भी उठा रहे हैं। फिलहाल तो बोटिंग करके हम थक गए। इसके साथ ही आप बच्चों के मनोरंजन के लिए काफ़ी अच्छी सुविधा है यहाँ पे। पहाड़ की गुफा की तरह भी बनाया गया है जहाँ पर बच्चे आकर के आनंद ले सकते हैं, खेल सकते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे बहुत सारे बतख है और साथ में प्रेमी पक्षियों का भी मेला लगा रहता है, जिसको आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं। बाकी ये हमारे चेहरे पे और हमारी सांसों की धड़कन को आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम आधे घंटा से ज़्यादा से ये बोटिंग कर रहे हैं और इसका मज़ा लेते हुए ये खबर बना रहे हैं, क्योंकि सारण ज़िला में कुछ ऐसा अच्छा काम हुआ है तो फिर उसकी चर्चा करना, उसकी बातचीत करना, आप लोगों के साथ शेयर करना ये हमारा फ़र्ज बनता है। तो अगर आप भी सारण से हैं या फिर कहीं दूर से भी हैं और सारण के अमनौर में आकर के आप इस तरह का बोटिंग का मज़ा ले सकते हैं। बाकी इस वोटिंग के बारे में और इस पोखर के बारे में आपको और क्या कुछ जानकारी है, अपनी जानकारी हमें कमेंट बॉक्स के में शेयर ज़रूर करिएगा। फ़िलहाल मेरा नाम रंजनी शांडिले था और आप आर्यन 24 न्यूज़ देख रहे थे।